कहाँ चढ़ाएगा भाई। लेके आओ एक डंपर, लेके आओ गाड़ी, गाड़ी में फंसने का पूरा चांस है। जान दे जान दे जान दे जान दे जान दे, रेस दे रेस दे, बस 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 बस, जान दे जान दे। मशीन भाई आज हमने रेंट पे मंगाई थी, तो मैंने इससे भी पुरानी मशीनें देनी चाहिए, इससे पुरानी, देख बार बार बूम गिर जाए, जोर ना लगा पाए, तो बेचारी मरी मरी भी जोर लगा रही है। गाड़ी आ रही दूसरी भाई, हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग, कैसे हो आप सब, आई होप सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आज काम अपना चालू होने जा रहा है मिट्टी वाला, आफ्टर रेन, अभी मोहलत दे दी है, अभी बरसात का सीजन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सावन लगने वाला है कल परसों को। अभी आपको दिखाते हैं, एक्सकवेटर शिफ्ट हो गई है जहाँ से मिट्टी आनी है, बाकी गाड़ियाँ वगैरह भी जा रही हैं, कुछ गाड़ियों में यूरिया कम था तो वही लेके आया हूँ। अभी तो लीलैंड कहाँ गई, आगे गई है ना, ये इसमें डाल दो, तुम्हारी वाली गाड़ी में तो डलता नहीं है, तुम्हारा कितनी देर में सही हो जाएगी गाड़ी, बस बेटा लाके लाने की। तो देखो आ गया बाइक, जाओ जल्दी जाओ, तुरंत जाओ। क्या बात, बैठ कैसे क्या हुआ, कमजोर आदमी ऊपर से, उधर ऊपर से बाइक खींचनी पड़ जाती है यार, वो खुश होना है। पूरी बाल्टी, हाँ पूरी बाल्टी ना, तर ले। नमस्कार, कैसे हो, क्या हो गया इसमें, दूसरी मिनट लगा भी स्टार्ट नहीं हो रही है, लगने वाला देखो लगा, ओहो रे जल्दी पहुंचो लेके भाई, है कितनी देर में हो जाएगी सही है, ईयर ले गई, ईयर ले गई, मतलब चालू रही, डीजल कम होने की वजह से उतार गई, तो यार मतलब निकाल दिया नहीं, कल 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 तो डीजल इसमें डला था, तो वीडियो तो बनाएंगे तुमसे पूछ कर। अच्छा मैं क्या मना कर रहे हो क्या, चाबी पाने औजार खड़ी दोस्तों, एक लीलैंड पीछे से यूरिया की बाल्टी निकाल लो एक, ये दोस्तों देखो चल रही छोटी मशीन 140, थोड़ा यहाँ मटेरियल एक्स्ट्रा हो गया था, ये उठा रही है 30x28 30, धमाकेदार गाड़ी। देखो भाई ऐसे तोड़ देते हैं ये ऑपरेटर लोग चैन चून, कैसे टूटी चैन, ये ग्रेडर की चैन तोड़ दी भाई, ये चला रहा था अर्जुन यहाँ पे ग्रेडर, अर्जुन माइकल सुमाकर तुम चला रहे थे ना, नहीं नहीं चला रहा था, हाँ ये देखो चैन भी इसका वो भी खोला ऊपर से प्लेट, चश्मा लगा के, बिना चश्मा के नहीं दिखता है क्या ध्रुव जी, इसको बिना चश्मा के नहीं दिखता है ना, इसका नाम माइकल सुमाकर पड़ा है ना, और क्या माइकल सुमाकर, इसीलिए, और अभी ये तो चश्मा भी नहीं लगा, तोड़ दिया चैन कर दिया सारा काम खराब, वो है ना चश्मा लगाओ, इतनी लंबी दोस्तों इसमें चैन होती है, देखो टंडम में कई जगह से टूटी है, कई जगह से तीन जगह तोड़ा है, लॉक तोड़ दिया है, इधर तोड़ा है, अच्छा नहीं एक चैन है ना, अच्छा उसमें से जोड़ गांठ हो जाएगी ना, ये कहीं कट रही है देखना, अच्छा टूटने के बाद ये कहीं लगी है, टूटने के बाद भी चल रही थी, हाँ चलते देख रहे हैं चक्कर नचे नहीं रहा, चक्कर ही नच रहा, हाँ नहीं वो तो चल तो जाएगा, ऐसे भी चल जाएगा, दो गरारी होती है, एक गरारी से पीछे वाला ये पैर घूमता है, एक गरारी से आगे वाला। दोस्तों देखो इतनी मशीनें खड़ी हैं यहाँ पे, यहाँ से मिट्टी का काम चालू होगा, दो ये खड़ी हैं, एक ये खड़ी है, ये सब चलेंगे, कुछ और कॉन्ट्रैक्टर्स की भी हैं, नदी है, नदी के किनारे किनारे मिट्टी सब भरी जाएगी, तो खाना दिया है भाई लोगों का, पार्सल आया खाने का, अभी आएंगे लंच बाद काम चालू होगा, हम भी जा रहे हैं अभी लंच करने रूम पे। ये देखो भाई साहब इसकी चाल बताओ, कौन से प्राणी से मिलती है इसकी चाल, छोटा मोगरा लगता है, लगता है 50 किलो से किलो की राशन की बोरी आ रही है, आगे बात रखी की बोरी भाई, चाल बड़ी मस्त है, मशीन यहाँ बता रहे लगा तो सर हमारी कल आई थी देख लेंगे, रात में चलना पे जो ना बात क्लियर है, एक आध घंटा चल जाए चल जाए, ठीक 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 है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो खंबा मत पेल देना स्टार्टिंग में, कल तो एक्सावेटर बच रही, जल्दी लाओ
वो भी देखो हंस रहा बंदा। साहब देखो समझा रहे हैं पुल्लू को, भैया पहली बार मैंने नाम सुना है सब पुल्लू। वहां नहीं काटना भैया, यहीं तक काटना है बाबू। होता ही आता है ना। छोड़ने वाला पहले पूछ ले भाई, काटने वाला पहले पूछ ले। ये हटा देना ईंटें वगैरह जो हैं, तो ये पाइप थोड़ा सा आराम से इसको उधर करना। जो जल्दी जाओ, फिर जाओ, भूख तो नहीं लगी है। तो ये दोनों गाड़ियाँ अपनी भर के निकल रही हैं, देखो और आ रही हैं गाड़ियाँ। रिक्शा बैठक रही है, यही नहर पूरा चौड़ीकरण होना है इसका। नहर मिट्टी मिलेगी, देखो दोस्तों बरसात के टाइम पे ऐसी ऊंची जगह पे मिट्टी मिल जाए अर्थवर्क के लिए तो मज़े ही मज़े। तो ये दोस्तों रात में काम करवाया था एक्सावेटर से, जो तो आपने कल के लास्ट वाले ब्लॉग में देखा होगा। अब यहीं गाड़ी देखो डंप करवाते हैं, ये सब हटवा रहे हैं साइड में। तार व्यार थी जो कि इधर पड़ी है ना, केबल की तार शिफ्ट हुई। लेके आओ मशीन साइड में करो, इधर साइड में लेके आओ, एक डंपर लेके आओ। गाड़ियाँ फंसने का पूरा चांस है। दो जगह पूरा तालाब है ये देखो, पानी भरा पूरा दलदल। दोस्तों देखो यहाँ पड़ेंगी गाड़ियाँ, अब आ रही हैं गाड़ियाँ, पैक हो रही हैं। कहाँ चढ़ाएगा भाई, अरे वहाँ चल के रोकना, अभी बताऊंगा। तो यहाँ ढलान है पूरा, गाड़ी बैठने की जरूरत, थोड़ा इधर रखना है, ऐसा ना हो एक तरफ ना बैठे, इधर रख थोड़ा, इधर इधर भाई तरफ, जान दे, रेस दे, बस, उठा दे भाई, बैठ गई, थोड़ी टेढ़ी हो गई गाड़ी। बस थोड़ा सा धीरे धीरे उठाओ, आगे जाके देखो मिट्टी कितनी रहेगी, पीछे जाना गाड़ी के, इधर मत रहना, उधर जाओ गाड़ी के। हाँ और उठाओ, चलो, खाली हो गई, बस ऐसे धीरे, बस अब एक बार नीचे कर लो 4x4 लगा के ना, लोगे डाल के निकालो गाड़ी को, नीचे कर लो। बस, नहीं रोको, हाँ लो गेट डाल के 4x4 लगाओ, दिखाते हैं भाई 4x4 पावर गाड़ी के 28-30 की। जोड़ दे ओ तेरी भाई, ओ भाई। बस गाड़ी बहुत जान है, पीछे कर थोड़ा सा, देखा भाई पावर 28-30 की, पीछे करो थोड़ा सा, कटिंग मत करो, इतनी कटिंग क्यों कर रहे हो। अच्छा तुम उठा दो, यहीं पे उठा दो, ज्यादा पीछे रिस्क मतलब। भाई क्या पावर दिखाई गाड़ी ने यार, देखा फुल भरी थी गाड़ी, मतलब बॉडी लेवल ही थी, 16 MQ की बॉडी है इसकी। जेसीबी थोड़ा मोड़ने के लिए ऊपर चढ़ा रही है उसको, मटेरियल को 20 mm को। बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, जाओ लेके आओ, तुम घुमाओ गाड़ी अपनी, जाओ। मशीन भाई आज हमने रेंट पे मंगाई थी परमानेंट के लिए, 17 मॉडल मशीन है, 17 मॉडल, लेकिन जोर और कुछ खास ऐसे लगा नहीं पा रही, बहुत थकी हुई मशीन है भाई, 14,000 घंटे चली हुई है और बिल्कुल 0 मेंटेनेंस हुआ गाड़ी में, हालत भी नहीं होगी। अरे जोर ही नहीं लगा पा रही है तो बिल्कुल ही, अरे जोर नहीं लगा पा रही मशीन बिल्कुल भी, अरे
मुझे लगता है इसका ट्रांसमिशन ऑयल ही साला चेंज नहीं किया कई दिनों से। तो मैंने इससे भी पुरानी मशीनें देनी चाहिए, इससे पुरानी देख बार बार बूम गिर जाए, जोर ना लगा पाए, तब तुम रहोगे सही बिल्कुल नए लड़कों को। तो मुझे नई मशीनों की कदरें नहीं होती ना, देख देख कितनी दिक्कत हो रही चलाने में, देख जब मशीनों की बिल्कुल बैंड बजी और चलानी पड़े तो। लेकिन नई मशीन की कम से कम बहुत ज्यादा हिफाजत करनी चाहिए, करनी तो पुरानी की भी चाहिए, कम से कम नई की तो कदर करनी ही चाहिए। धीरे से इधर घुमा दी, धीरे से उधर घुमा दी, देख बेचारा ऐसा लग रहा है कि उसका खुद का भी जोर लगे जा रहा है, रो रही है कती। आजा भाई फंसा मत लेना, ये निकलेगी भी नहीं, देख इतना बुरी हालत है कि पीछे का बूम भी गिर जा रहा है, बहुत बुरी हालत है इसकी तो। देख रहा है दांत दिखा रहा है। हाँ तभी नई मशीनों से बदला लेता है तू है? उससे का जल्दी जल्दी करने का ये मतलब नहीं होता है कि मशीनों के रेट मार दो, जल्दी करने का ये मतलब होता है कि काम तकनीक से करो, उल्टा सीधा मशीन का जोर लगाओगे रेस देने से थोड़ी ना काम हो जाएगा, टेक्निक लगानी पड़ती टेक्निक। देख बेचारे का क्या हालत है, हाथ धोई पड़ी है रे भाई। हाँ इतना जल्दी पूछ उससे, पूछ भाई से क्यों इतना गिरा, देख वो पैर से कर रहा है, देख चेला उसका, देख वो हेल्पर में लगता है ही इसलिए उस मशीन पे। क्यों नोप, देख 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 कहीं बैठ बूठ ना जाए मशीन, लो बैठ गई बैठ गई बैठ गई। ओ भाई लो यार वो एक जगह खड्डा कर रहा है ना, जो सुनो ऐसे ना स्लिप ज्यादा मत मरवाना, खड्डा हो जाएगा ना वही मशीन बैठ जाएगी, पूरा पानी है दलदल है ये। हाँ ऐसे चलाओ मशीन की एक जगह बैठे, थोड़ा आगे पीछे करके निकाल लिया करो, इकट्ठा जोर मत लगवाया करो, बिछाओ जल्दी यार इसको, अब गाड़ी खाली करनी है, आधा टाइम तो भाई ये भूमि उठाने में रहता है। हाँ हाँ डलवा दो ना इसको, यही उसको बोलो ना यही बिछा देगा इसको भाई, को भाई ऐसे ऐसे बिछा दो, तो बेचारी मरी मरी भी जोर लगा रही है, इतना काहे के लिए तुम स्टीयरिंग मोड़ रहे हो भाई, सीधा रखो स्टीयरिंग को, पता लगे पहिया निकल जाए इसका। इसको बोलो ये वाली ढेरी में ऐसे ऐसे बिछा दो बस, आगे मत लेके जाओ, तो यहाँ हाइट नहीं होगी गाड़ी जा ही नहीं पाएगी आगे, सारा सारा बेचारा मशीन पे कितना रो रो के कह रही है भाई मुझ पे बुढ़ापा आ चुका है, टाइम पे मेरी दवा दारू नहीं करवाई, बेचारी का हार श्रृंगार भी छीन लिया गया आगे से चाली। गाड़ी लाओ, गाड़ी लेके आओ, गाड़ी आ रही दूसरी भाई, उठाओ 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 उठाओ, इससे आगे तो बिल्कुल नहीं भाई। ए यहीं पे विमल अभी मैं चला जाऊंगा, यहीं पे हाइट कराना ठीक है, यहीं पे हाइट कराओ, थोड़ी सी हाइट नहीं होगी जब तक गाड़ी आगे नहीं चपेगी। भाई ये भी फंस गई है, अब देखा निकलवाते हैं इसे, पड़ गया तो मैं देखा ही नहीं हूं। रेस रेस कौन देगा हैं? सो गाइस माथे के पसीने से आप जज कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम, उमस हो रही है बहुत ज्यादा, धूप
हटने के बाद भी ये हाल है। ये वही जगह है कल वाली जहाँ एक्सकवेटर उतरने के बाद आई थी, मतलब इस साइड उतरी थी यहाँ पे इस तरफ। तो अभी संजीव भाई गए हैं गाड़ी लेके थोड़ा उस तरफ, अभी आ रहे हैं तो अभी फिर दोबारा चलते हैं बोरो एरिया। तो उस दिन मैंने बोला था कि यार एक्सकवेटर बताना कौन सी लें, सब ने बड़ा किसी ने बोला यार आप तो खुद समझदार हो, आप खुद अपनी तरफ से देख लो। पर देखें भाई, कैट वैट में भी गए हैं उसमें और टाटा में भी गए हैं, देखते हैं, अभी कोई डिसाइड नहीं हुआ। जैसे डिसाइड होता दोस्तों मैं बताऊंगा कि कौन सी मशीन लेगी हमारी कंपनी, आप सबके सहयोग से ली जाएगी दोस्तों, मतलब आप सबकी राय से ही। क्योंकि लीलैंड गाड़ी अपने पास आई है और चलने के लिए रेंट पे, भाई मिट्टी उठ गई थी। नहर दोस्तों चौड़ी हो रही इसलिए क्योंकि लास्ट टाइम शहर में पानी बहुत भर गया था, पानी की निकासी ना होने के कारण, इसलिए ऊपर से आदेश है इसे चौड़ी करने के लिए ताकि पानी निकल जाए सही से बरसात के टाइम। चलो खोदते चलो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे स्लोप में थोड़ा खोद दो, स्लोप में ऐसे करके जैसे है ना, तुम यहाँ तक खोद लो, तुम इसको यहाँ तक खोद लो ऐसे स्लोप में। हाँ भर गई नहीं भरी अभी गाड़ी, अरे लीलैंड। तो दोस्तों अभी फिलहाल हो गई है बारिश और बारिश में कर रहे हैं रेस्ट। तो ये था आज का व्लॉग दोस्तों, बताना कैसा लगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब भाई कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, तो साथ देना भाइयों सब लोग, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो और बताओ दोस्तों आपको क्या क्या देखना है कंस्ट्रक्शन साइड पे, तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं दोस्तों फिर कल नए व्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू। ये देखो पागल।